सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक विश्नोई में। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप व्हाट्सएप की कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको नाम लिखना पड़ेगा ऐप का, क्यूब कॉल। जैसे ही आप ये खोलेंगे तो इस पर सबसे पहला ऐप आपको दिख रहा है, ये कॉल रिकॉर्डर क्यूब ACR, इसको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसको ओपन कर दीजिए। ये आपको परमिशंस के लिए पूछेगा, ग्रांट परमिशन कर दीजिए इसको। जितनी भी परमिशंस ये आपसे मांग रहा है उन सबको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप परमिट कर दीजिए इसको ड्राइंग ओवर द अदर ऐप्स, अलाउ कर दीजिए इसकी परमिशन को। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। फिर ये बोलेगा डिसेबल पावर ऑप्टिमाइजेशन फॉर क्यूब। पावर ऑप्टिमाइजेशन को आपको क्या करना है, डिसेबल करना है। तो आप ढूंढिए इसमें हमारा ऐप का है क्यूब ACR। तो चलिए वो ऑलरेडी डिसेबल है, इग्नोर कर दीजिए। जियो टैगिंग नो थैंक्स, ओके ओके। आप ऐप्स खोल देंगे तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर जाना है। रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं VOIP रिकॉर्डिंग, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ये इनेबल हो जाएगा और ये कुछ तरह इस तरह आएगा। आपको क्या करना है, इनेबल करना है ऐप कनेक्टर। ये खुलेगा तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरह ये खुल जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ये एक एक्सेसिबिलिटी ऐप हमारा खुल चुका है, ये वाला। इसमें आपको करना है क्यूब ACR ऐप कनेक्टेड दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और उसको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो ये देख सकते हैं ये इनेबल हो चुका है। अब आप कोई भी व्हाट्सएप पर जाएंगे, किसी पे भी जाएंगे तो ये आपका पूरा का पूरा आपकी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेगा। तो यही था मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।